बिहार के बेगूसराय में अभिभावक द्वारा समय पर बच्चों की यूनिफॉर्म के पैसे नहीं चुकाने पर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की यूनिफॉर्म उतरवाकर उन्हें घर भेज दिया। आरोप है कि प्रबंधन ने बच्चों के पिता के साथ भी मारपीट की। वाकया बिहार के बेगूसराय जिले के कोरिया गांव का है, जहां के स्कूल बीआर एजुकेशन एकेडमी के स्कूल प्रबंधन ने इन दोनों बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म खुलवाकर इन्हें स्कूल से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि इनके अभिभावक ने बच्चों के यूनिफॉर्म का पैसा समय पर जमा नहीं करवाया था और पैसे जमा करवाने के लिए बस एक दिन की मोहलत मांगी थी। आखिर क्या हुआ था उस दिन, सुनिए इन बच्चों की जुबानी। जा रहे थे बैग लेकर तो अंजना मैम उधर से बुलाई तो अंजना मैम बोली कि जाओ पापा को बुला के लाओ। तो हम गए पापा को बुलाने तो पापा आए इधर। तब पापा से अंजना मैम पैसा मांगे तो पापा कहे कि कल अभी पैसा नहीं है कल दे देंगे। तो उसी में लड़ाई हुई। उसके बाद अंजना मैम कहे कि जाओ दोनों कपड़ा रूम में खोल दो। नहीं खोल रहे थे तो जबरदस्ती रूम में जाकर खुलवा दी। मामला बस यही नहीं थमा। इन बच्चों के पिता ने जब इसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की तो आरोप है कि प्रिंसिपल ने इनके साथ मारपीट की और धक्के देकर स्कूल से बाहर कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज कर ली और जांच के बाद आरोपी शिक्षिका और स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला ये बच्ची के साथ है। बच्ची कपड़ा खोलने का आरोप लगाया गया है। वो जांच एवं अनुसंधान बाद कुछ भी स्पष्ट होगा। गो न्यूज़ ब्यूरो।